टीम इंडिया की नई सीरीज का इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन हो चुका है। हम आपको बता दें कि इस टेस्ट सीरीज के लिए जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं उनका नाम अब सामने आ चुका है। यह सीरीज टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भी टीम में शामिल किया गया है और शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टन के रूप में देखा जा सकता है। विराट कोहली एक बार फिर टेस्ट टीम में वापसी करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्हें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब वे टीम का हिस्सा हैं। सरफराज खान को भी टीम में रिटेन किया गया है। उनकी हाल ही में शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा दिखा सकती है। देवदत्त पाडिकल के नाम की भी चर्चा हो रही है और उन्हें बैकअप ओपनर के रूप में भी जगह मिल सकती है। रविंद्र जडेजा को एक ऑलराउंडर स्पिनर के तौर पर शामिल करेंगे और अक्षर पटेल भी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में खेलते हुए हमें नजर आएंगे। रविचंद्रन अश्विन की भी वापसी हो रही है क्योंकि आईपीएल के बाद से उन्होंने भारतीय टीम के लिए कोई भी मैच नहीं खेला है। ऋषभ पंत भी टेस्ट टीम में वापसी कर सकते हैं। वे पहले T20 और वनडे मैच खेल चुके हैं और अब उनकी टेस्ट टीम में वापसी का इंतजार है। ध्रुव जुरेल पर भी सभी की नजरें होंगी। वे संभावित रूप से टीम के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल हो सकते हैं। केएल राहुल की वापसी पर अब भी संशय बना हुआ है। उन्होंने हाल में एक अच्छा टेस्ट शतक लगाया था, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी को कारण उनकी वापसी संदिग्ध हो सकती है। कुलदीप यादव को भी टीम में एक प्रमुख स्पिनर के रूप में हम देख सकते हैं। तेज गेंदबाजों के लिए मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की संभावना है। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा और मोहम्मद शमी अभी तक फिट नहीं है। तो ये संभावित 15 खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेल सकते हैं। हम इनके नाम देख लेते हैं। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, सरफराज खान, देवदत्त पाडिकल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, आर अश्विन, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। इस टेस्ट सीरीज के बाद T20 सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज भी होने वाली है और साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। इस दौरान प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाड़ियों का भविष्य तय होगा। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और कोई सवाल हो तो भी वो हमसे जरूर पूछें।